अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत छत्तीसगढ़ के रायपुर सहित जिन 6 स्टेशनों में विकास कार्य किए जाने हैं उन स्थानों पर भी गरिमामय समारोह का आयोजन किया गया। रायपुर रेलवे स्टेशन में आयोजित समारोह में प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने कहा कि अमृत भारत स्टेशन योजना से छत्तीसगढ़ के प्रमुख स्टेशनों में विकास का एक नया अध्याय शुरू होगा। प्रधानमंत्री जी का आत्मनिर्भर भारत के लिए जो जितना सैक्रिफाइस किया वो तो बोला कि 1942 में महात्मा गांधी गेव अ कॉल टू द ब्रिटिशर्स क्विट इंडिया। एट दैट टाइम सम पीपल सेड दैट इज द बिग पावर ऑफ द वर्ल्ड लाइक ब्रिटिशर्स दे विल क्विट इंडिया बट दे डिड नॉट नो दैट व्हाट इज द कॉन्फिडेंस इन महात्मा गांधी एंड व्हाट इज हिज फोरसाइट। ही वाज कॉन्फिडेंट एंड व्हेन लाख्स ऑफ पीपल विद द कॉल ऑफ महात्मा गांधी कम टू द स्ट्रीट and asked the Britishers, quit India, there was a turmoil in the whole country. And thereafter, people were determined to fight for freedom of the country. इस मौके पर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक अनूप कुमार ने कहा कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के 9 स्टेशनों को इस योजना में शामिल किया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ के 6 और महाराष्ट्र के 3 स्टेशनों का बुनियादी विकास किया जाएगा। आज प्रधानमंत्री जी ने पूरे राष्ट्र को 508 रेलवे स्टेशन के पुनर्निर्माण कार्य की आधारशिला रखी, जिसमें हमारे साउथ ईस्ट सेंट्रल को 49 स्टेशनों को शामिल किया गया है। कुल 1860 करोड़ का यहाँ पे निवेश होगा और हम आशा करते हैं कि जो उन्नयन का कार्य है अगले 2 से 2.5 साल में तेजी से पूरा कर लिया जाएगा। अमृत भारत स्टेशन योजना में प्रदेश के जिन अन्य स्टेशनों को जोड़ा गया है उनमें अकलतरा और भिलाई पावर हाउस स्टेशन भी शामिल है। आज भिलाई पावर हाउस स्टेशन में आयोजित समारोह में केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने पुनर्विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इस पर करीब 26 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस संबंध में केंद्रीय राज्य मंत्री ने बताया कि अमृत भारत स्टेशन योजना के माध्यम से यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। नया अध्याय जुड़ गया, 508 स्टेशन का पुनर्निर्माण हो रहा है जिसमें सभी प्रकार की सुविधाएं होंगी। हमारे देश की एक बड़ी संख्या रेल से ही सफ़र करती है, लगभग 2.5 करोड़ लोग पर डे रेल से सफ़र करते हैं। कुछ स्टेशन में रहते हैं, कुछ रेल में सफ़र करते हैं, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि उनके लिए एक अच्छे स्टेशन का निर्माण हो। तो आज जिन 508 रेलवे स्टेशन का शिलान्यास किया गया, ये आने वाले समय में विश्व स्तरीय बन के तैयार होंगे और ये समय सीमा के अंदर बनेंगे और इसमें सभी प्रकार की सुविधा और क्वालिटी भी होगी। कार्यक्रम में विशेष रूप से आमंत्रित प्रदेश की जानी मानी पंडवानी गायिका पद्मश्री उषा बार्ले ने कहा कि इस योजना से दुर्ग भिलाई रेलवे स्टेशनों का तेजी से विकास होगा, साथ ही यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। तो हमला ये लगा थे कि बहुत अच्छा हम खाया, हमार मन के लिए तो बन ही बनत बनत लगे, लेकिन हमार आने वाले वंश के लिए, हमार आने वाले हमार परिवार के लिए, आने वाले हमार पीढ़ी के लिए बहुत एक अच्छा दिन आ जाही और एक अच्छा चीज़ बन जाही, जो हमारे लड़का मतलब कोई प्रकार के तकलीफ नहीं हुई आए जाए बर ये सुविधाजनक हो जाही। हम मोदी जी ला बहुत बहुत धन्यवाद देवत हन कि आप ऐसे अतिक बड़े मन में विचार करके ये काम ला जागृत कराते और लागू कराते, ये के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा में आयोजित कार्यक्रम में क्षेत्रीय लोकसभा सांसद गुहाराम अजगले विशेष रूप से शामिल हुए। इस मौके पर श्री अजगले ने कहा कि अमृत भारत स्टेशन योजना में अकलतरा को शामिल किए जाने से इस क्षेत्र के यात्रियों को निश्चित रूप से लाभ होगा। उन्होंने कहा कि यहाँ के यात्री लंबे समय से जिन सुविधाओं की मांग कर रहे थे उनके पूरा होने से रास्ता अब खुल गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस प्रकार का आज रेलवे स्टेशनों की स्थिति रहती है, सुविधाएं होती है, हमारे देश में भी ये कार्य आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जा रहा है और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में जो देश में दूरदर्शी सोच के साथ कार्य कर रहे हैं, आने वाले समय में हमारा देश दुनिया का विकसित देशों में श्रेष्ठ होगा।
वहीं रेलवे के मंडल वाणिज्यिक प्रबंधक विकास कश्यप ने कहा कि इस योजना के शुरू होने से अकलतरा स्टेशन में संसाधनों में बढ़ोतरी होगी और यात्रियों को आधुनिक सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा। विकास करने का मतलब यह है कि एक तो कैपेसिटी का ऑगमेंटेशन, यानी कि अब आने वाले 40 सालों में जनसंख्या भी बढ़ेगी, उस हिसाब से स्टेशनों में लोगों की आवाजाही भी बढ़ेगी। उसको अकोमोडेट करने के लिए हम तो एक कैपेसिटी को उसका इन्हांस कर रहे हैं, चाहे वो वेटिंग हॉल हो, सर्कुलेटिंग एरिया हो, पहुंचने के रास्ते हैं, पहुंच मार्ग हो, इन सब चीज़ों को हम जो है रिव्यू करके हम लोगों ने प्लान बनाया है। इसके अलावा आप जब स्टेशन जब बन जाएंगे तो आप जाएंगे तो आपको ज़्यादा साफ़ सुथरा लगेगा। उसमें ग्रेनाइट कोटा स्टोन का इस्तेमाल है और वेटिंग एरिया बाहरी सर्कुलेटिंग एरिया में एयरपोर्ट की तर्ज पर हम फसाड की व्यवस्था कर रहे हैं। इसके अलावा तमाम स्टेशन में जो फर्नीचर है वो मॉड्यूलर होंगे। इसी तरह प्रदेश के अन्य स्टेशनों पर भी इसी तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए, जहां नागरिकों ने अमृत भारत स्टेशन योजना शुरू किए जाने का स्वागत किया है।